दिल्ली गैंगस्टर से एक कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुई हिंसा में शामिल होने से जुड़े मामलों में राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मामले में सिधाना को अग्रिम जमानत दी है, साथ ही कहा कि उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि सिधाना लाल किले के भीतर मौजूद था। अगर वो था भी तो उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है। न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी ये नहीं बता पाए कि जांच के दौरान आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ की क्यों जरूरत है। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी आश्वस्त नहीं है कि लाल किले के बाहर मौजूदा बहुत गंभीर अपराध और गैर जमानती है या नहीं। न्यायाधीश ने कहा कि मेरे विचार में इनमें अधिकतर मामले जमानती हैं। अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। सिधाना से अपना पासपोर्ट सौंपने और महीने में दो बार अपने रहने के स्थान के बारे में जांच अधिकारी को अवगत कराने और हर महीने के अंतिम शनिवार को पंजाब के बठिंडा जिले में एक थाने के प्रभारी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक रजत कालरा ने अदालत को बताया कि सिधाना हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हालांकि सिधाना ने गणतंत्र दिवस पर हिंसा में किसी तरह से शामिल होने से इनकार किया है। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई थी और लाल किले में उपद्रव मचाते हुए प्रदर्शनकारियों ने ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडा लगा दिया था और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।